आज जो महानगर पालिका ने चेक भेजा है, ये चेक 68,87,000 रुपए का है, लेकिन अपने दिव्यांगों को ये कहना चाहता हूँ कि अब ये जो अमाउंट है सिर्फ एक महीने की ही दिख रही है। अब महानगर पालिका की तरफ, महानगर पालिका ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में पैसे दे रही है, क्या वो अपने भी दिमाग में नहीं रह रहा? क्या महानगर पालिका ने कौन से महीने की पेमेंट दे रही, कैसी दे रही? महानगर पालिका के तरफ अपन ये भी ध्यान में नहीं रह रहा कि अपनी महानगर पालिका की तरफ पेमेंट कितनी बाकी है, कितने महीने की बाकी है, 4 महीने की बाकी है या 5 महीने की बाकी है। तो महानगर पालिका झोल झपाटे करके ये पैसों में घपला करने वाली है, ऐसा अंदाजा महानगर पालिका का दिख रहा है। तो जिस तरह अपनों को कोई भी चीज़ का मैसेज आता है, तो महानगर पालिका का भी ऐसा मैसेज आने को होना कि हमने तुम्हारे को ये महीने से तो ये महीने की पेमेंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करे। नहीं तो ऐसे से क्या होने वाला है जैसा 2016 से महानगर पालिका ने 18-19 तक दिव्यांगों के पैसे खाते हुए आई भी है, उसी तरह आप घपला करने वाली है महानगर पालिका। और महानगर पालिका के पास जब भी आंदोलन कर रहा कोई, तो महानगर पालिका बस वही उसको वही आश्वासन दे के हकाल दे रही, हमें 1 महीने का देते। अब 1 महीने का महानगर पालिका पैसे दे रही तो कौन से हिसाब से दे रही है समझ में नहीं आ रहा। 2024 खत्म आने को, 24 खत्म हो रहा है, 2023 के अभी तक उनकी पेमेंट ही क्लियर नहीं हुई दिव्यांगों की अपनी। तो इनका ये महीना कौन से हिसाब से चल रहा, मेरे समझ में ये भी नहीं आ रहा कौन से हिसाब से महीने की पेमेंट डाल रही है। 2023 खत्म होगा, लेकिन अभी तक 2024 तक 23 की निधि चल रही है अभी तक। तो कौन से हिसाब से अपनों को महीने पेमेंट डाल रहा कमिश्नर, ये एक मसला है। महानगर पालिका के सामने है ना, मैं तो बोलता है संगठना पार्टी फार्टी सब छोड़ के दिव्यांग बन के सबों ने है ना, महानगर पालिका का पूरा कंपाउंड जब तक भरता नहीं, जब तक मेरे को लगता है अपने लोगों का काम होने वाले नहीं है। क्योंकि अपन है ना टुकड़ों टुकड़ों में बंटने के वजह से काम नहीं हो रहे। मेन मसला, मेन गलती अपनी दिव्यांगों की है अपनी। जब तक एक साथ एकजुट होंगे नहीं, जब तक मेरे को लगता नहीं कि अपने काम ढंग से करेंगी महानगर पालिका। कोई भी जाएगा आंदोलन करेगा, उसको लेटर दे देंगे, फिर वही उनका घसा पटा आश्वासन दे देते हैं, बाजू में कर देते हो, कोई फायदे की बात नहीं है। जब तक अपन एक साथ दिव्यांग बन के पूरे लड़ेंगे नहीं ना वहां पे, जब तक मेरे को लगता नहीं कि कुछ हल निकलेंगे अपने लोगों का। तो महानगर पालिका ऐसी चॉकलेट दे दे के पैसों का भी घपला करेंगे और पैसे भी खा लेंगे। तो कौन से महीने के डाल रहे, मैसेज में लिख के भी नहीं आता कब से कब तक डाले इन्होंने, सिर्फ ये पैसे डाल रहे हैं, उसमें भी लफड़ा करने वाले ही ऐसा अंदाजा दिख रहा है इनका। बाकी सब सोच अपने अपने लोगों की, मेरा काम था बोलना, मैंने बोल दिया।